नमस्कार दोस्तों, इंडियन गार्डन गुरु में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे रोज़ कैसे तैयार किया जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें रोज़ में क्या क्या डालना चाहिए उसके साथ बहुत कुछ बताएंगे। आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, ये रोज़ का प्लांट है। इसमें डबल कलर का फूल आता है। इसके साथ आपको एक और प्लांट का फोटो दिखाएंगे। ये है दोस्तों गोल्डन साइप्रस। ये शो प्लांट होता है, इसको घर के अंदर भी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए ये रोज़ है, आप लोग के वहाँ शायद ऐसा रोज़ नहीं खिलता होगा। अगर ऐसा खिलाने के लिए आपको रोज़ चाहिए तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क करें। दोस्तों ये येलो कलर का रोज़ है, इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी होगी इसमें। इसके साथ एक और रोज़ दिखाएंगे आपको जो रेड कलर का होगा। ऐसे रोज़ बहुत इजीली तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा रोज़ तैयार करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ऐसे स्टार्टिंग में रोज़ ऐसे होते हैं, इसके बाद हम लोग इसको तैयार करते हैं और तैयार में ही 6 महीने के अंदर ही इसको बड़ा कर देते हैं और काफ़ी सारे फूल निकाल देते हैं इसमें। ये देखिए एक डबल डिलाइट कलर है, डबल डिलाइट जिसको बोलते हैं, ये डबल कलर में रोज़ खिलता है। इसी का एक जो सिंगल में होता है वो भी दिखाएंगे आपको, सिंगल पिंक। ये भी काफ़ी अच्छा तरीके से खिलता है, बहुत अच्छे दिनों तक रहता है साथ। ये देखिए आपको दिखाएंगे जो छोटे छोटे पॉलीथीन में लगे हुए रोज़ हैं, ये भी गुच्छों में ही फूल देते हैं। इसके साथ आपको दिखाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा बड़े हो गए हैं ये रोज़, वही पॉलीथीन में ही लगे हुए हैं ये सब रोज़। आइए और आपको दिखाते हैं येलो कलर के रोज़ जो आप देख रहे होंगे। येलो कलर इसी में के बीच बीच में है, आपको दिखाते हैं निकाल करके एक। ये देखिए इस तरह से येलो रोज़ भी खिलता है। फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा इसका। अगर आप ठंडक में इसमें स्टार्टिंग होने से पहले ही कुछ ऐसी दवाएं आपको बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये दवाएं आपको भी पता चले कैसे रोज़ बड़ा हो, उसका फूल का साइज बड़ा हो, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप शो प्लांट में लगा सकते हैं, पार्क हो गया या कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और लॉन्ग लाइफ प्लांट है। इसके साथ साथ ये कि ये प्लांट दिखाएंगे जो फाइकस होता है, रेलिंग या किसी भी प्रकार के डिज़ाइनिंग बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एक और तरीके का पेड़ दिखाएंगे, इसी का सेम डिज़ाइन होगा। ये देखिए इस तरीके के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों फाइकस का एक और नया डिज़ाइन। इस तरीके से हम लोग काफ़ी कुछ बना सकते हैं। अगर आपको किसी और तरीके की भी डिज़ाइन चाहिए या गार्डन बनाना है, या आप चाहते हैं कि हम उसका वीडियो आपको दिखाएं कैसे गार्डन बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, या फ्लोर गार्डन हो, टेरेस गार्डन हो, वर्टिकल गार्डन हो, किसी भी प्रकार का गार्डन हो, हैंगिंग गार्डन हो, उसके लिए आप हमको कमेंट करिए, हम आपको बना के दिखाएंगे। ये देखिए इसके बाद दिखाएंगे कोकोनट प्लांट आपको। ये देखिए कोकोनट प्लांट, इसका हाइट ज़्यादा नहीं है, हमारे पास ये बोनसाई प्लांट है कोकोनट का। इसके साथ साथ दिखाएंगे आपको स्नैक प्लांट। दोस्तों स्नैक प्लांट ऐसा होता है, ये देखिए स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट के साथ साथ और भी काफ़ी प्लांट्स आपको आज दिखाएंगे। ये देखिए पाम का प्लांट है। इसके साथ ठंडक में सबसे ज़्यादा लगने वाला प्लांट, विंटर प्लांट में नंबर वन पर बिकने वाला एक प्लांट ये है, जिसको हम जाफरी गेंदा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा टॉपर सेलिंग प्लांट यही है। और देखिए गेंदा जब स्टार्टिंग में लगाया जाता है तो उसका साइज ऐसे हम लोग तैयार करते हैं, छोटे छोटे बैग में लगा करके लॉट बनाते हैं इसकी। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। नमस्कार दोस्तों।